had all those pipes in her, and I said, अम्मा मैं घर जाती हूँ, सुबह में आती हूँ आपके पास. आई सेड, क्या आपने कर दिया, बोर किया आपने मुझे बहुत. अच्छा, शी वाज सपोज टू कम टू मी, एंड अम्मा ने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हारे पास तो वहाँ अमेरिका में कोई नौकर भी नहीं होंगे, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगी. उस वक्त भी सारी बातें सोच रही थी, ये सोच रही थी कि मैं सच अ गिविंग कि आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. मैंने कहा अम्मा बस आ जाएं, अब तो मुझे खाना बनाना भी आता है. तो माय हस्बैंड टुक द फोन फ्रॉम माय हैंड एंड सेड, आंटी आप आ जाएं, मैं हूँ आपका नौकर. वाओ, माशाल्लाह, ऐसा आदमी है कोई दुनिया में? खैर, तो बट उनकी कंडीशन ऐसी हुई कि वो ट्रैवल नहीं कर सकी. सूटकेस भी पैक्ड था, कपड़े तक तैयार थे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई सेड के बताइए क्या करना है, पेसमेकर करना है, क्या करना है. दे जस्ट सेड, द डॉक्टर लुक्ड एट मी एंड सेड, अ फ्यू मिनट्स और एन आवर. आई एम सो सॉरी. एंड आई कुड नॉट, आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम हियर नाउ, आई विल मेक ऑल द डिसीजंस. आप करें जो भी ऑपरेशंस करने हैं, जो भी करना है. And then this, then I just, I didn't know what to do. Then I called my brother in London. मैंने कहा they're saying this, Rehan, and just आप बात करो. मैंने फ़ोन रखा मम्मी के कान पे. Then I just started calling family, just say. Because you didn't know what to do. हाँ. But at least Allah ने आपको. My cousin Maria was with me. Maria Vasi is my first cousin. तो she came. वो यहाँ खड़ी थी. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझसे सर्जरी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. मैं बैठी हुई हूँ एंड अम्मा वाज लुकिंग इन माय आईज एंड आई एम लुकिंग एट द ऑक्सीजन. इट वाज जस्ट गोइंग डाउन 30, 20, 25. शी वाज लुकिंग इन माय आईज एंड देन शी वेंट एंड बट दैट मोमेंट जस्ट स्टक विद मी फॉरएवर. अपने सामने इस तरह होते हुए ना, आई वाज जस्ट स्टक इन दैट मोमेंट फॉर लाइक 6 months. अचानक ही जैसे गई है ना, आई एम लाइक सडनली जैसे मैं बड़ी हो गई. मैं सबसे छोटी हूँ. एंड सडनली आई सेड ये करें, वो करें, घर पे ये करें. आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड आई जस्ट सेड अब अम्मा को कोई नहीं देखेगा. घर पे जाके मैंने डिस्प्ले नहीं करना है कुछ भी. आई जस्ट सेड, I told my cousin, my puppy's son Kashif. I just said, आप इधर रुको, मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ. बिकॉज कोई न्यूज़ निकल आई थी एंड ऑल द कैमराज वर आउटसाइड. ओके, एक तो ये भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. आप सोचें what did they want to see now? My mother was on screen all her life. What did they want to see now? वो भी इस वक्त इस स्टेज पे यू डोंट वांट द लेवल. अबू कहते थे ना हर बात लेवल की होती. द लेवल ऑफ what are you going to get now? जस्ट न्यूज़ बिट. तो मैंने कहा कोई नहीं देखेगा इनको, नौ घंटे देखा. घर पे पहुंच गए थे सब कैमराज, हॉस्पिटल पे थे. देन दे उनको लिफ्ट से लिटरली निकाल के ना, देन आई मेड सच अ डिसीजन. मैं इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, बोलती ही जा रही हूँ. आई मेड अ पर्सनल डिसीजन कि आई एम नॉट गोना टेक अ होम, पुट हर इन द कोल्ड स्टोरेज. बिकॉज ऑल ऑफ दिस दैट वाज हैपनिंग, आई जस्ट डिडंट वांट एनीबडी टू सी हर. I put it in the cold storage, and I hated doing that. But then I said, "Just do the burial now." Okay. I'm in Aries now, so I'm very impulsive. Bhi hu. I said, "Do it now. I don't want people to come and see her." And मैंने कहा फजर में करते हैं. Then my susur came and he said, "बेटे जितने लोग दुआ करते हैं." उनको देख के मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली थी. जितने लोग दुआ करते हैं उतने ही सवाब मिलता है जाने वाले को. एंड देन मारियाज मम सेड, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर, शी इज़ माई खाला. तो मैंने कहा उनका भी राइट है. तो ऐसा ठीक है, जुहर कर देते हैं. सो शी टुक अ फ्लाइट एंड वी डिड जुहर एंड दैट्स इट. एंड देन आप नहीं सोच सकते हो कितना टफ टाइम था. एंड आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि मुझे सोयम के दिन, मगरिब के वक्त सोयम के दिन फ़ोन आता है फ्रॉम चैनल्स एंड फ्रॉम पीपल हु वर्क्ड विद माय पेरेंट्स फॉर सो लॉन्ग, क्या आप कल सुबह आ सकती हैं मॉर्निंग शो में? सीरियसली? यस.
the callousness, the oh my goodness, the level, the cruelty, and I was like, just because. Aap socho level dekho, mental level dekho. These are the people that my parents gave their lives to the industry, and they were calling me for me to come and shed two tears for TRPs. I couldn't believe it. So yeah. चलिए अल्लाह उनको अपने बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा रखा होगा और अल्लाह आपको हिम्मत दे आगे। मैं तो आप तो राबिया बोल ही नहीं रही है, मैं तो देती जा रही हूँ इंटरव्यू। नहीं नहीं मैं आगे बोलूंगी बोलूंगी। नहीं मैं तो शुरू ही हो गई ना बस। नहीं बिकॉज ये मैं तो कह रही थी कि जो आपका जर्नी था ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ फेस करना, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया ना। लाइक अल्लाह ने आपको चैलेंज दी, आसानी भी की, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि एक चैलेंज के बाद दूसरे चैलेंज से गुजरे। अम्मा के बाद मेरा शोल्डर कोलैप्स हो गया था, लेफ्ट शोल्डर, बिकॉज वो स्टेरॉयड डैमेज तो है हर जगह ही है स्केलेटन में, तो फिर शोल्डर मेरा ऐसे कोलैप्स होके ऐसे ऐसे हो। एंड आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं थे, वो वहीं पे थे ना? नहीं नहीं, अम्मा के बाद तो मैं वापस जब गई हूं ना, तब चली गई, वापस चली गई तो शोल्डर कोलैप्स हो गया, स्ट्रेस से एंड एवरीथिंग। या तो शोल्डर कोलैप्स हुआ, बट ऐसे हो गया बाजू, एंड मैं प्लेट नहीं धो सकती थी, मैं कम्फर्टर नहीं लिफ्ट कर, मैं बाल नहीं बना, पोनीटेल नहीं बना, उठ ही नहीं सकता था यार। एंड समबडी सेड कि इसका आप रिप्लेसमेंट नहीं कराओ, जस्ट गो टू द पूल एंड वाटर थेरेपी करो। तो ये भी, दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे हियर दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे एंड आई एम टेलिंग दिस जर्नी इन सो मच डिटेल, माइट जस्ट हेल्प सम पीपल। सो ये कोलैप्स हो गया तो बोन तो अब जैसे पौधे को पानी नहीं देते तो वो ब्रिटल होके टूट जाएगा, ख़त्म हो जाता है, मुरझा जाता है, वैसे हो गई बोन, तो कोलैप्स हो गया। तो उन्होंने कहा पानी में, बॉयंसी ऑफ द वाटर में जब आप मूव करते हैं तो मसल रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू द पूल, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, सो मैं वेट सूट पहन के ना, मैं टॉल वुमन, तो आई वुड स्टैंड इन 5 feet और सो एंड जस्ट मूव एंड मूव माई आर्म्स एंड लेग्स। सो उससे ये हुआ कि आई कैन मूव माई आर्म नाउ एंड सो दैट्स अ टिप फॉर समबडी हुज़ गॉट जॉइंट और बोन डैमेज कि वाटर थेरेपी डज वर्क। So I didn't do the surgery for this, and I just did the water therapy. MashaAllah, say I you have to, you can't just be thinking about ke ye kya ho gaya mere saath kind of thing. You have to think of ye 5 cheezein nahi hai na, ye 95 cheezein hain. And then in LA I started volunteering for disabled students. Because I realized ke meri ye problems hai na. Then I started volunteering for visually impaired and hearing impaired people. I would take, I'd go to school for them. School kehte hain wahan pe, even if it's university. Go to school for them. I'd take their notes down for them. Okay. Then jo dekh nahi sakte the, to unke liye main unka exam read out karti thi. Wow. Okay. And jo jinke haath pair aise hote hain, jo pen ya pencil nahi pakad sakte, ya type nahi kar sakte, to unke liye main scribe karti thi. Wo bolte the, to main likhti thi unke liye. या टाइप करती थी उनके लिए। वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। सी इफ यू थिंक ऑफ, इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज डिसेबल्ड, दिस ऑलवेज, यू आर ऑलवेज बेटर देन अ मिलियन अदर पीपल। यस, आप ये सोचें अगर कि हाँ ये हो गया तो फिर आगे क्या है, आप अंदर ही अंदर खुद ही डिटीरियरेट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन समथिंग एल्स दैट्स पॉजिटिव। बिल्कुल। तो दैट्स व्हेन आई, उसके बाद एक और मिरेकल हुआ था। मज़े की बात बताती हूँ। एक दिन मैं, अभी 2 साल पहले की बात होगी, आई वॉज सिटिंग इन माई हाउस एंड आई रियली टायर्ड दैट डे फॉर सम रीज़न एंड आई सैट डाउन एंड ऑन द काउच इन फ्रंट ऑफ द टीवी। आई सेड अम्मा बहुत याद आ रही हैं आप, एंड आई जस्ट पिक्ड अप द रिमोट एंड आई स्विच्ड ऑन द टीवी। और कोई DMG केबल टाइप को चैनल लगा हुआ था, नॉट इवन अ रेगुलर चैनल। उस पर अम्मा का ड्रामा था। सो स्वीट। नो, देयर इज मोर। ओके। She was sitting with this Rehan Sheikh or Leila Lagari, ek actress hain. Oh, Rehan Sheikh is a brilliant actor. Leila Lagari, ek actress hain. Wo ammi ki beti bani hui hai. Her name is Leila. And I'm also Leila. And she is hugging her and saying, "I love you, my baby." Scene ye hai. Wo Leila ko hug kar rahi hai. Aur mujhe baby kehte the ghar mein, Leila kehte the ghar mein.
umbrella laga rahi and baby I was like